आता हूँ तो भैया कैसा लग रहा है हमारा मंदिर जब रेडी हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मंदिर बन रहा है दुबई में, अबू धाबी में। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो हेमंत की ब्लॉग के साथ। तो कैसे कहते हैं फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो ना भाई बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। भाई तुम्हारा भाई आया आज बैप्स हिंदू मंदिर में जो कि है अबू धाबी में। भाई यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हमारा मंदिर बन रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अंदर जाते ही यहाँ पे देखिए आपको मिल जाती है यहाँ पे ये चंदन और चावल धागा और ये ईंट जो कि मंदिर में चढ़ेगी। तो आज 26 साल के बाद वही सपना साकार होने जा रहा है। तो पहले तो हमको 13.5 कर ही दिया था, तो उन्होंने हमको पूछा कि आप पार्किंग कैसे करेंगे, तो हमने बोला अंडरग्राउंड करेंगे, तो उसने बोला नहीं, तो उसने फिर वापिस उन्होंने फिर वापस 13.5 कर लैंड दिया। तो अभी टोटल 27 एकर है। तो ये पार्किंग की जगह है, इसमें 1200 जितनी कार, 45 जितनी बसेस और 2 हेलीपैड। इतना बड़ा पार्किंग यहाँ की गवर्नमेंट बना के देती है हमको। और ये पूरा मंदिर 35 एकर में, ये मंदिर का एंट्रेंस है और ये सेंड ड्यू की तरह से बनाया गया है। एक तो ये रीज़न है कि हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने डेजर्ट में प्रार्थना की थी उसके हिसाब से, और दूसरा ये अरब कंट्री में बन रहा है। तो हम इधर से देखेंगे तो मंदिर जैसे डेजर्ट से बाहर आ रहा है ऐसा दिखेगा। और ये एंट्रेंस है और ये फोटो क्लिक करने का वो स्टैंड है। हम इधर से जाएंगे तो इधर शो स्टैंड है और ये मंदिर का एंट्रेंस है। तो इसमें जो पिंक स्टोन दिख रहे हैं वो राजस्थान से कार्विंग करके इधर लाया गया है, और वाइट स्टोन है वो इटली से आया है, और इटली से राजस्थान जाता है और इधर कार्विंग करके आता है। और 7 शिखर जो दिख रहे हैं वो 7 एमिरेट्स रिप्रेजेंट करता है, और सब शिखर में अलग अलग देवता को स्थान दिया गया है, जैसे राधा कृष्ण, राम, सीता, शंकर, पार्वती, बीच में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, तिरुपति बालाजी, अयप्पा जी, जगन्नाथ जी भगवान। सब शिखर के पीछे पूरा उसका इतिहास है, जैसे राम सीता का शिखर है तो उसके पीछे पूरा अयोध्या है। तो क्या हम छोटे बच्चे को लेके आएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी को, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि आजकल के बच्चे को ज़्यादा तक पता नहीं, घर में सब बैठ के बात करते तो पता चलता है, सब बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे को तभी। और वो प्रेमवती है यानी फूड कोर्ट, उधर सात्विक फूड मिलेगा। और उसके बाजू में है बुक स्टॉल है, और ये पीछे एमपी थिएटर है। और ये पानी है ना वो हमारी भारत की 3 पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो हम पीछे एमपी थिएटर में बैठ के हम रात के टाइम में उधर लाइट शो होगा तब देखेंगे, तो जैसे हम कैसा लगेगा कि वाराणसी के घाट पर बैठे, हरिद्वार के घाट पर बैठे, ऐसी फील होगा। और मंदिर में मंदिर बना है उसमें कोई जगह पे लोखंड या स्टील का यूज़ नहीं किया गया है, जैसे वो बच्चों का पजल रहता है ना उसी तरह से सब स्टोन को एक दूसरे के साथ जुड़ा गया है। और यह है ऑडिटोरियम, इधर 2500-3000 जितने लोग का समावेश है, इतना बड़ा वो बन रहा है। और यहाँ वीकली सभा रहती है, रक्षाबंधन है, हमने देखा वीडियो में जैसे अन्नकूट है, सब इवेंट्स इधर कर सकते हैं। और किसी को भी जन्मदिन का फंक्शन या कोई भी फंक्शन है तो इधर कर सकते हैं। और ये है संत निवास, और ये मछली से वेलकम गेस्ट के लिए। ये हमारा पूरा मंदिर का मास्टर प्लान था। अभी जितना मंदिर बना है लाइव चल रहा है उतना एक छोटा सा क्लिप है, तो हम देखेंगे फिर बाद में शिला पूजन में छोड़ेंगे। इसके बाद हमारे लगाया गया चंदन का टीका जैसा कि आप ये देख सकते हैं, उसके बाद बांधा गया हमारे हाथ में कलावा, ये देखें आप। कलावा बांधने के बाद भाई उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप पूजा की जाती है इस ईंट की जो कि मंदिर में चढ़ने वाली है। पहले हमें दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं चंदन और चंदन का टीका जो कि था हमने जो अपनी ईंट पे लगाया जो मंदिर में चढ़ने वाली थी। चारों खानों में हमने देखे टीका लगाया है, उसके बाद थोड़े से चावल और थोड़े से फूल उस पर चढ़ाने थे, ये आप देख सकते हैं जो हमारे द्वारा चढ़ाए गए। उसके बाद इस ईंट को हमारे द्वारा बाहर ले जाया गया, ये आप देख सकते हैं, और रख दिया गया वहाँ पे जहाँ पे सारी ईंटें रखी हुई थी जो मंदिर में चढ़ावे के लिए जानी थी। जब आप अंदर जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे रूम है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे अंदर तो आपको पूरी चीज़ें दिखाई जाएगी, हमारा मंदिर कैसे बन रहा है, कितने वर्कर है, और आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद भी यहाँ पर आए थे हमारे इंडिया के। तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है, भाई बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए भाई, स्पेशली भाई मैं सच बताऊँ तो भाई मेरे को रोना आ गया था अंदर कि
जब बोला गया कि भाई एक अपना मंदिर बन रहा है एक गल्फ कंट्री में, भाई बहुत ही अमेजिंग, जो कि बहुत ही बड़ा लैंड हम लोगों को दिया गया है मंदिर के लिए, तो भाई बहुत ही अच्छा फील होता है यार जब बाहर की कंट्री में ऐसा अपना मंदिर बनता है, वो भी इतना बड़ा मंदिर भाई, जिसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, जो कि आपने देख लिया होगा वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है। तो जब आप अंदर जाते हैं तो उसके बाद आपको आपको पूजा के लिए थोड़े चावल और फूल दिए जाते हैं और एक ईंट दी जाती है, जिसमें आप अपने नाम की एक ईंट, आपकी तरफ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप हमारे मंदिर के लिए कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। और जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको दिखाऊं, तो ये देख सकते हैं भाई पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, ये आप देखें पीछे। वैसे अगर आप अभी आते हैं तो आपको इस टाइप का एक गेट मिलेगा, और अभी पार्किंग पूरा पक्का हुआ नहीं है, कच्चा पार्किंग है यहाँ पे, आप कहीं पे भी गाड़ी लगा सकते हैं, हमने तो यहाँ पे गाड़ी लगा दी थी अपनी, ठीक है। और अगर मैं मंदिर दिखाऊँ तो आपको भाई ये आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई पूरा काम चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से लेके ये मेन रोड है अबू धाबी का जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से लेके ये पूरा देखिए यहाँ पर मंदिर बन रहा है, ये देख सकते हैं आप सामने। तो भाई बहुत सी चीज़ें रहने वाली है मंदिर में, आपने देख लिया होगा जैसा कि मैम ने समझाया अंदर, जैसे सीताराम है उनके पीछे जैसे अयोध्या का पूरा वो रहेगा मंदिर का स्ट्रक्चर जो भी रहेगा अंदर, जैसे कि मैडम ने बताया ऐसी शिव पार्वती हैं उनका, भाई जो बहुत ही अमेजिंग बनने वाला और बहुत ही भव्य बनने वाला है भाई गल्फ कंट्री के अंदर। तो भाई थैंक यू गवर्नमेंट को भी, यहाँ की यूएई गवर्नमेंट को भी भाई बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और भाई हमें तो भाई प्राउड मोमेंट लगता ही है भाई जब ऐसा कुछ होता है, जैसे कि तुम्हारे भाई ने पहली वीडियो बनाई थी जब हमारा मंदिर बना था उधर, आपने देखा होगा जो फर्स्ट वीडियो मेरी रही थी, अगर नहीं देखा तो भाई देख लेना, तो उस वीडियो में भी मैंने पूरे मंदिर का दिखाया था किस तरीके से बन रहा है। अभी यहाँ पर फिलहाल अंदर जाने नहीं देंगे क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन है, दिन रात एक करके भाई देखें अब कैसे भाई लोग काम कर रहे हैं, और मंदिर तैयार जैसे ही वीडियो आपके पास आएगी पूरे मंदिर की, ये देखें भाई सारे हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं। पीछे चर्च भी है इधर, तो आप चर्च में भी जा सकते हैं, और चर्च आई थिंक बन के रेडी हो चुका है, बट मंदिर बहुत ही बड़ा बन रहा है भाई, बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे भी बन रहा है। भाई एक ये भाई है इनसे भी मिलाता हूँ, तो भैया कैसा लग रहा है हमारा मंदिर जब रेडी हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मंदिर बन रहा है दुबई में, अबू धाबी में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत से आदमी काम कर रहा है बहुत। अच्छा, तो आपने भी यहाँ पे ईंट रखी थी? जी जी जी। अच्छा अच्छा, कब रखी थी वहाँ पे? हमारे जो इंडिया के वो है जयशंकर प्रसाद सर, वो भी आए थे, है ना, तो उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं हम तो नहीं थे अभी। अच्छा। जल्दी में आए हैं। अच्छा, हो गया 10 महीना। लेकिन तो आप किधर से? इंडिया में? इंडिया में, हम यूपी से हैं। यूपी से? अच्छा, तो मतलब भाई बहुत प्राउड मोमेंट लगता है यार। जी जी, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बन रहा है इंडिया का। तो आप भी आएंगे जब बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं भाई। सबको आप भी वो बोले कि भाई आओ हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर में आइए और देखिए ये बनेगा। जनवरी में ओपनिंग है इसका। अच्छा, जनवरी में ओपनिंग 2024 को? 2024 में जनवरी में ओपनिंग है, 14 के बाद। तो भाई ऐसे हमारे भाई लोगों को भाई बहुत प्यार दें, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, जय श्री राम भैया, जय श्री। तो भाई जल्दी जिस दिन भी ये मंदिर बनेगा उस दिन तुम्हारा भाई जरूर आएगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस दिन उसकी वीडियो बनाएंगे मंदिर की। तो भाई आज बहुत अच्छा लगा, और एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भाई मेरी तरफ से भी आए, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आप टूरिस्ट पर भी आ रहे हैं तो भाई एक बार जरूर यहाँ पर भी विजिट करें भाई, दुबई घूम के ही ना जाएँ, हमारा मंदिर बन रहा है और ज़रूर विजिट करें। तो गाइज़ आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे अगले दमदार लोग में अगले दमदार कंटेंट के साथ, वीडियो करते हैं खत्म, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।